ब्लाइंड जो दो प्लेयर पहले गवा चुके थे, अब एक्स पार्क के सामने उनको बाकी जाना जरूर पड़ेगा। यहाँ पे नियो ओपन में फंसते हुए बगी फिसलेगी और नियो सर्वर के बाहर होते आपको नजर आएंगे। ये बगी बहुत खतरनाक एक व्हीकल है, अगर टायर पंचर गलत समय पे हो जाता है तो स्किड होती नजर आती है और वो यहाँ पे हुआ। Godlike को कैजुअलिटी मिलती हुई जी, बिल्कुल दो फिनिशेस Godlike के पास है जरूर। और मैक्सी की बात करें तो उनके पास एचपी मुझे दिखाई नहीं दे रही, अपने आप को हील करेंगे, सर्कल इनके पास है नहीं, जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। दूसरे साइड स्काउट की बात करी जाए, नॉक्स पे नॉक्स निकाल रहे हैं, देखते हैं फिनिशेस में तब्दीलियां हो भी रही है या फिर नहीं। बट टीम इनसाइड आउट की बात करें, सात टोटल फिनिशेस वो निकाल चुके, क्लच गॉड आए थे व्हीकल लेके आगे की साइड पे, वापस उनको जाना पड़ा और फाइनली स्काउट वो अपना फिनिश कंफर्म करेंगे। ट्रॉय की बात करी जाए वो खत्म है, क्लाउड की बात करें वो भी डाउन किए जाएंगे डेडपूल के द्वारा, इस ब्लैक वो भी डाउन किए गए फाइनल बॉस के द्वारा और अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस चुके हैदराबाद हाइड्रास की स्क्वाड। जी गॉड एक बढ़िया ग्रेनेड कुक करते उन्हें अंदाजा है प्लेयर इस वक्त मौजूद कहां है। क्लच गॉड सामने साइड आने की कोशिश करेंगे, 1v2 का सिचुएशन होता हुआ मैंटी के लिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन को, मैंटी डाउन हैदराबाद हाइड्रास मोस्ट प्रोबब्ली दो प्लेयर के साथ मौजूद। Godlike तीन फिनिशेस के साथ आगे बढ़ेगी बट जोनाथन उनको डाउन किया जाएगा मैक्सी के द्वारा, वो पीछे मौजूद थे पर अब Godlike सर्कल के बाहर। जी हाँ, और हैदराबाद हाइड्रास सर्कल के बाहर उनको पुश करते नजर आ रहे हैं, तो ये बैटल तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो चुका है। देखना पड़ेगा ये फ्लैंक काम करेगा, मैक्सी और कैरी आगे बढ़ते हुए डायनामिक ड्यूओ जरूर है। जोनाथन जब तक वो पहुंचेंगे तब तक जोनाथन को रिवाइवल मिल जाएगा बट जोन के बाहर ये फाइट क्या ये अफोर्ड कर सकती है टीम से? एक नेड आएगा जरूर, क्या नॉक निकाल पाएंगे सवाल है, और नॉक निकाल पाएंगे। जोनाथन जिनको अभी रिवाइवल मिला था वो यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। क्लच गॉड वहां पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं गाड़ियों की आवाज से बट कोई फायदा भी के लिए उनका नहीं मिलेगा। लुक एट क्लच गॉड क्या डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं वहां पे गाड़ियों की आवाज से, उनको लग रहा है हैदराबाद हाइड्रास को कि यहां से बचने की कोशिश की जा रही है। जोनाथन को एक बहुत बड़ा रिवाइवल मिल जाता है बट इस पर सी गॉड स्प्रे मिस करा जोनाथन जोन का शिकार, ये स्प्रे मिस करना बहुत भारी पड़ा टीम हैदराबाद हाइड्रास को। मैक्सी ये आप नहीं कर सकते बट चलिए कम से कम उनका जो फिनिश था वो किसी और को मिल गया। क्लच गॉड यहां से निकलेंगे, जोनाथन का ये तीसरा नॉक था अब नहीं बचाया जा सकते, इसी के साथ जोनाथन खत्म है। क्लच गॉड एंड जी गॉड दो प्लेयर बचेंगे, रिवेंज माइटी सर्कल के बाहर डाउन टीम एक्सपार्क का एक अच्छा लय आज के दिन पे चलता हुआ। दूसरा जो एंगल मैच था उन्होंने जो खेला बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया था, 10 टोटल फिनिशर्स थे इस मैच में भी अगर माना जाए तो दो फिनिशर्स निकाले। स्काउट ओपी डाउन हुए हैं ओवेज बोलते के द्वारा, देखते हैं फिनिश कर पाएंगे, बड़े आसानी से फिनिश कर दिए जाएंगे बाकी तीन प्लेयर काफी दूर बट टीम एक्सपार्क सर्कल के बाहर। बात करें यहाँ पे टीम एनिग्मा फॉरएवर वो भी सर्कल के बाहर, स्काउट वो भी खत्म हो गए, माइटी प्लेयर के बाहर डाउन हो गए, अक्षय की बात करें वो भी खत्म हो गए, क्लच गॉड डाउन किए गए। लास्ट प्लेयर इस वक्त सर्वाइव करेंगे मोस्ट प्रोबब्ली, शायद वो सर्वाइव ना कर पाए, जी नहीं अभी भी वो बचे हुए Godlike जी गॉड पे पूरा भार जिन्होंने सैनहॉक में अपनी टीम को दूसरे स्थान तक पहुंचाया था बट ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएंगे, बराबर स्थान पे Godlike।